पंजाब टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मंजूरुल हसन हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां पे हाईटेक की जानिब से इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट का इनकार किया गया है। चार टीमों ने पार्टिसिपेट किया है और जिस टीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है वो टीम आज जीत पाई है, जिसका नाम था डीपीएस, जिनके बच्चों ने बहुत ही मेहनत की और डार एकेडमी की जानिब से बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी करवाई गई। टूर्नामेंट की विनर टीम के दो प्लेयर मेरे साथ मौजूद हैं। डीपीएस टीम का नाम है, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसन है। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला अबान। अब्दुल्ला, मुझे बताओ कितने अरसे से हॉकी खेल रहे हैं? मुझे तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं। और आपको? मुझे भी 3 साल हो गए हैं। 3 सालों में कौन ट्रेन कर रहे हैं आप? मैं जी, मुझे डार अकेडमी आए 2 साल हो गए। मैं लाहौर का नहीं हूँ, मैं पीछे किसी और गांव से आया हूँ, और मैं डार अकेडमी आया हूँ। तो इधर आके मुझे कोचेस सिखाते रहे, हमारे विकास भाई, जियाद भाई हैं, वो हमें अच्छा ट्रेन करते रहे, ट्रेन करते आज फिर हम डीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं, और ये हमारा इवेंट, और ये हम इवेंट जीत गए हैं। अच्छा, आप दोनों पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो देते हो या सिर्फ हॉकी खेलते रहते हो? नहीं नहीं, पढ़ाई को भी तवज्जो देते हैं, लेकिन जो शौक है ना, तो शौक को थोड़ा आगे रखते हैं और पढ़ाई को थोड़ा पीछे, लेकिन पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो देते हैं। मामा पापा क्या कहते हैं कि हॉकी प्लेयर ही बनना है या कुछ और बनना है? शुरू में ऐसे कहते थे कि खेलने ना जाया करो, लेकिन अब नहीं कहते, अब कहते हैं खेलो इनके, क्योंकि वो क्या कहते हैं। कितने घंटे देते हो हॉकी को? हम तकरीबन रोज के 5-6 घंटे ट्रेनिंग। टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया, उनके बारे में क्या कहूँ? हम उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं, और हम उन्हें कहना चाहते हैं कि और भी इस तरह टूर्नामेंट करवाएं ताकि हमें मौका मिले, क्योंकि हमें इतना मौका नहीं मिल पाता टूर्नामेंट खेलने का। तो हम उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। हाईटेक, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हरून मौजूद हैं, जिनकी हाइट तो छोटी है लेकिन ये हॉकी के प्लेयर हैं, और आज के मैच में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बहुत अच्छी कारकर्दगी भी दिखाई। इनकी उम्र है 10 साल। हरून, कब से खेल रहे हो? 1 साल। 1 साल से खेल रहे हो? पैदा होते ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी? नहीं। कितना अरसा हो गया प्रैक्टिस करते हुए? 7-9 महीने। 9 माह में आपने इतना सब कुछ कैसे सीख लिया? सांता। कौन प्रैक्टिस करवाता है आपको? का अभी भाई साजा जनेरा की अकेडमी। किस अकेडमी से आप प्रैक्टिस कर रहे हो? का जनेरा की अकेडमी। वाओ, और पढ़ते भी हो? यस। कौन सी क्लास में? 3। 3 क्लास में। मामा पापा आपको खुद कहते हैं कि खेलो बेटा? जी। कितना टाइम देते हो हॉकी को? काफी, आधा टाइम हॉकी आधा टाइम पढ़ाई। आप कितने अरसे से खेल रहे हो? 1 साल हो गया। तो आपको टीम से बाहर क्यों निकाला गया? अनफिट थे? नहीं, बड़े वो सीनियर ने खेला था, आज फाइनल था। सिर्फ देखने के लिए आए थे? नहीं, खिलाया नहीं। खिलाया नहीं है, क्या वजह बनी? चेंज पे मैच इतना टफ था। मैच टफ था? हाँ जी। हॉकी की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11। 11 प्लेयर होते हैं जो खेलते हैं। आप सिर्फ पानी पिला रहे थे? नहीं, पानी नहीं पड़ा रहा था, मैं चेंज रेस्ट कर रहे थे। हाँ, रेस्ट कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे जब गोल होता था। हाँ जी। अच्छा, ये जो गोलकीपर होता है इसका क्या किरदार होता है? मतलब पूरी टीम बस गोलकीपर की ऊपर ही है। बिल्कुल, गोलकीपर का वही किरदार होता है जैसा खामत का बीवी के लिए किरदार होता है, ऐसे ही है। मेरे साथ CEO हाईटेक डॉक्टर मोहम्मद अरशद मौजूद हैं। इनसे जानते हैं आज के टूर्नामेंट के बारे में। सर बताइएगा, इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा इस सिलसिले का दूसरा टूर्नामेंट है। इससे पहले हमने कोई 2 साल कबल करवाया था नेशनल हॉकी स्टेडियम में, तो वो वहाँ को थोड़ा एक तो उसकी लोकेशन अवेलेबिलिटी में कोई मसला हो गया था, फिर क्योंकि ऑस्टर ट्रफ भी अवेलेबल नहीं थी, तो फिर यहाँ के जो तो कि डार साहब हैं, इन्होंने बड़ी स्पेशल मेहनत करके ये नया सेटअप बनवाया। इसमें काफ़ी लोगों की कंट्रीब्यूशन है, DHA डिफरेंट, इसमें जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है। तो अभी अब देखें, बड़ा खूबसूरत ये बन गया, 800 स्टाफ वाला बड़ा प्ले, और बड़ी इसमें ना एक्सपेंशन की और ट्रेनिंग की बहुत गुंजाइश है। तो मेरा इसमें जो टारगेट है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारा ये ना एक लॉस्ट प्राइड है हाईटेक, इसका जो है ना हॉकी का, जो सारे एजाज होते थे ना, एक टाइम ऐसा गुजरा है कि हॉकी के सारे जो मेडल होते थे, सारी शील्ड, सारी ट्रॉफी पाकिस्तान के पास होती एट वन टाइम। वर्ल्ड कप इनके पास था, हमारे पास चैम्पियन ट्रॉफी, एशियन, हर कप हमारे पास था। वो बस ऐसे, मेरा ख्याल है हमें अनप्लेजेंट बातों को नहीं दोहराना चाहिए, हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। तो मेरा टारगेट इसमें ये है कि आई विल कीप स्पॉन्सरिंग, हेल्पिंग एंड प्रमोटिंग
हॉकी फ्रॉम ग्रॉस रूट लेवल। इसमें देखें, आप देख रहे हैं इतने इतने छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं और वो इतना एंथुजियाज़म के साथ खेल रहे हैं कि मुझे बड़ा वो है उम्मीद हुआ जाना लामा इकबाल का कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, साकी तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है। इसमें हमारी थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, इंशाल्लाह मेरे बस में जो हुआ मैं ख़ुद भी करूँगा और अपने दोस्तों को जो एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं उनको भी मैं प्रमोट करूँगा कि सिर्फ दो चार जो गेम है उन्हीं में नहीं, हर गेम को आप दें ना। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में हॉकी का टैलेंट आज भी उतना ही मौजूद है जितना आज से 30 साल पहले था। ज़रूर सिर्फ स्पॉन्सरशिप किया, आप फंडिंग करें, ज़्यादा बच्चों को किट चाहिए, उनको फूड चाहिए, उनको लॉजिंग बोर्डिंग की फैसिलिटीज चाहिए। अब जैसे गोल्ड कीपर है, जो गोल कीपर की अपनी किट बड़ी महंगी होती है, 5-7-10 लाख तक एवरेज ग्रेड की किट आती है, तो ये इसलिए अब हॉकी जो है, हॉकी एक खुद काफ़ी एक्सपेंसिव टूल है और इसके अलावा बच्चों की जो ट्रेनिंग है, फिज़िकल ट्रेनिंग है, उनकी फूड है और उनकी फूड का उनकी एक्टिविटी के साथ बैलेंस रखना, मुकम्मल कोचिंग करना, बड़े मरहले हैं। तो हर मरहले के लिए ज़ाहिर है फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, एफर्ट चाहिए, तो उसमें मेरे बस में जो भी होगा मैं करता रहूँगा। और अब मैं आज के इवेंट से मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ, तो खुशी हुई है कि पहले पिछले साल तो सिर्फ मैंने किया था, हाईटेक नहीं किया था स्पॉन्सर, इस दफ़ा ये एक और स्पॉन्सर भी आ गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम ग्रुप ऑफ स्पॉन्सर जो है ना वो हम इकट्ठा कर लें ताकि इस जो हमने जो शुरू किया है ना सिलसिले को, इसको फंड्स की शॉर्टेज ना हो कभी भी, तो ये इंशाल्लाह कोशिश है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह। आपने देखा ना कितना खूबसूरत एम्बियंस है, लोकेशन बड़ी अच्छी है, कम्फर्टेबल अप्रोच है, मेन रोड पर है, आपको कोई ख़ास आपको रुकावटें नहीं है, तो उम्मीद है मुझे कि ये बहुत अच्छा इंशाल्लाह सिलसिला चलेगा। यहाँ कोई गालबन 30 के जो है ना प्लेयर, उनके रहाइश का भी इंतज़ाम किया गया है। यह भी बच्चों को बड़ा मसला होता है, दूसरे शहरों से आते हैं कि ठहरेंगे कहाँ पर, तो यहाँ ये हमने ख़ास तौर पे किया है कि अच्छा इंतज़ाम किया जाए बच्चों को रहने के लिए, खाने पीने के लिए। जितनी देर यहाँ कोई इवेंट चल रहा हो ना, तो ये बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन भी हो ना कि अगर हमने जाना है तो वी विल बी केप्ट कम्फर्टेबल, तो ये इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें करेंगे और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वी शैल रीकैप्चर आवर लॉस्ट प्राइड। बहुत शुक्रिया सर।